संसार में मित्रता हो तो श्री कृष्ण और सुदामा की तरह, आचार्य दीपक कृष्ण। ग्राम पंचायत रिंगणी में श्रीमद् भागवत कथा में सुदामा चरित्र की कथा का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर उठे। ग्राम पंचायत रिंगणी में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा में भागवत कथा के सातवें दिन रविवार को कथावाचक आचार्य दीपक कृष्ण जी महाराज ने सुदामा चरित्र का प्रसंग का वर्णन किया। सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए बताया कि संसार में मित्रता श्री कृष्ण और सुदामा की तरह होनी चाहिए। सुदामा के आने की खबर मिलने पर श्री कृष्ण दौड़ते हुए दरवाजे तक गए थे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अर्थात श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा के आगमन पर उनके पैर धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु सुदामा के दुर्दशा को देखकर इतना दुख हुआ कि प्रभु की आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। आधुनिक युग में स्वार्थ के लिए लोग एक दूसरे के साथ मित्रता करते हैं और काम निकल जाने पर भूल जाते हैं। जीवन में प्रत्येक प्राणी को परमात्मा से एक रिश्ता जरूर बनाना चाहिए। भगवान से बनाया गया रिश्ता जीव को मोक्ष की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा, स्वाभिमानी सुदामा ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सखा कृष्ण का चिंतन और स्मरण नहीं छोड़ा। इसके फलस्वरूप कृष्ण ने भी सुदामा को परम पद प्रदान किया। कथावाचक आचार्य दीपक कृष्ण जी ने सुदामा के चरित्र की सप्रसंग व्याख्या के। सुदामा चरित्र की कथा का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। बताया कि भागवत कथा सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा को सुनने के लिए आसपास के गांव से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। रिंगणी गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन ने यहां का माहौल भक्तिमय बना दिया। टीवी इंडिया 18 छत्तीसगढ़ स्टेट हेड मेरा राम कश्यप की खास रिपोर्ट।